बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही बॉलीवुड टारगेट पर रहा है। अब बॉलीवुड के टॉप फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म एसोसिएशन एक साथ खड़े हुए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अपमानजनक कमेंट करने वाले कुछ टीवी चैनल्स और रिपोर्टर्स के खिलाफ। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। 34 टॉप बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और 4 फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, डेरोगेटरी और अपमानजनक रिमार्क करने से टीवी चैनल्स पर बैन लगाने की मांग करते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और चैनल के पत्रकार प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर और इसकी प्रमुख एंकर नविका कुमार के खिलाफ दायर किया गया है। आरोप लगाने वाले प्रोडक्शन कंपनीज में कुछ एक्टर्स की कंपनीज भी हैं, जिसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान और अनुष्का शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा जाने माने फिल्म मेकर जो गिल्ड के मेंबर हैं, उसमें रोहित शेट्टी, कबीर खान, विधु विनोद चोपड़ा, रमेश सिप्पी, राकेश रोशन, आशुतोष गोवारिकर, रितेश सिद्धवानी, साजिद नाडियाडवाला, लव रंजन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और अभिषेक चौबे के नाम शामिल हैं। कॉर्पोरेट स्टूडियो रिलायंस एंटरटेनमेंट जो आने वाले महीनों में 2 बड़े बजट की फिल्में सूर्यवंशी और 83 रिलीज करेगा, वो भी इस मुकदमे का हिस्सा है। मुकदमा दायर करने वालों ने पूछा है कि चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बॉलीवुड और उसके सदस्यों के खिलाफ इररिस्पॉन्सिबल, डेरोगेटरी और अपमानजनक टिप्पणी करने या पब्लिश करने से बचना चाहिए। ये बताया गया है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ दोनों ने बॉलीवुड के लिए डर्ट, फिल्थ, स्कम, ड्रगीज और भी एक्सप्रेशन जैसे कि ये देश का सबसे गंदा इंडस्ट्री है और कोकीन और LSD ने बॉलीवुड को सरोबार कर दिया जैसे अत्यधिक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लॉ फर्म DSK लीगल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि रिस्पोंडेंट द्वारा चलाए गए स्मियर कैंपेन से बॉलीवुड से जुड़े लोगों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। चल रही महामारी के अलावा इसकी वजह से एक्सट्रीम रेवेन्यू और वर्क ऑफ अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है। बॉलीवुड के मेंबर्स के प्राइवेसी पर हमला किया जा रहा है और पूरे बॉलीवुड को लोगों की नजरों में क्रिमिनल, ड्रग कल्चर में डूबा हुआ इंडस्ट्री बताकर उनकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने साफ किया कि वो राजपूत के मामले में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कवरेज पर बैन लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ एप्लीकेबल लॉ को वायलेट करने वाले कंटेंट को पब्लिश करने पर स्थायी बैन की मांग की है। रिपोर्ट करने के नेचर और पैरेलल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस पर ऑब्जेक्शन जताया गया है। मुकदमे में दावा किया गया था कि रेस्पोंडेंट बॉलीवुड से जुड़े लोगों को दोषी मानते हुए उनकी निंदा करने के लिए कोर्ट जैसा काम कर रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर जो सबूत है वो उनके द्वारा पाया गया था। ऐसा करते हुए वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से उठाया गया ये कदम आपको कैसा लगता है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।